जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ की आप तैयारी कर रहे थे, एग्जाम डेट का आप इंतजार कर रहे थे। 31 मार्च को आपका एग्जाम डेट होने का एक नोटिस आया था सीआरपीएफ की वेबसाइट के ऊपर। आपने भी देखा होगा, वीडियो भी देखे होंगे, नोटिस भी आपने देखा होगा। लेकिन अभी सीआरपीएफ एचसीएम की जो भर्ती थी, इसका जो एग्जाम होना था 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में होना था, तो इनका जो एग्जाम था पोस्टपोन करके 22 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक इसका एग्जाम कर दिया। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट हो गया कि कहीं जो हमारा सीआरपीएफ के अंदर जो पैरामेडिकल का जो हमारा 31 मार्च का एग्जाम था, वो भी तो कहीं पोस्टपोन नहीं हो जाएगा। तो इसके संबंध में मेरे पास कई कमेंट करे थे बच्चे कि सर हमारा जैसे पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीआरपीएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे थे, सीआरपीएफ पैरामेडिकल में फॉर्म अप्लाई किए होते हैं। तो बच्चों को ध्यान रहता है कि किसका एग्जाम कब होने वाला है। तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल वाले बच्चों को डाउट होगा कि कहीं जैसे इनका एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्या हमारा एग्जाम भी पोस्टपोन होगा। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप इसके अंदर भर्ती होना चाहते हैं और आप एक बेहतरीन तैयारी है, तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल फोकस रखिए। और तैयारी को जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, आपके पास में अभी लगभग 1 महीना बचा है, 1 महीने से 5-7 दिन ऊपर ही मान के चलो, क्योंकि ये फरवरी का लगभग 8-9 दिन बचा है, 31 दिन आपके मार्च के हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारा भी एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि सीआरपीएफ एचसीएम की चीज अलग थी। तो जो सीआरपीएफ एचसीएम की जो भर्ती हो नए सिरे शुरू हुई है। दूसरी बात यह है कि सीआरपीएफ एचसीएम के अंदर क्या है कि जैसे बच्चे बहुत ज्यादा है, मतलब अगर आप पैरामेडिकल का नॉन टेक्निकल आपकी जो वैकेंसी है, आपसे 20 से 30 गुना ज्यादा बच्चे इसके अंदर एग्जाम में बैठने वाले हैं। और इसके वजह से थोड़ा सा क्या है कि सभी बच्चों का नहीं हो पाने, क्योंकि ज्यादा बच्चन की एज बढ़ाने की वजह से भी, और जो लास्ट डेट की कुछ बढ़ा दिया था, कुछ जैसे एज के अंदर भी छूट दी गई, तो फॉर्म और ज्यादा हो गए, तो इनकी डेट पोस्टपोन होगी। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है कि हमारी भी जो एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाएगी 31 मार्च से, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही किसी प्रकार से नोटिस आया है। अगर आपको इसके संबंध में किसी ने गाइड भी किया, किसी ने बोला भी है, तो गलत न्यूज है। सीआरपीएफ की तरफ से ऐसा कोई ऐसा नोटिस या कोई जानकारी ऐसी दी गई नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास आपने कमेंट किया तो हो सकता है आपके मन में विचार आया, आपने किसी सुना है, मेरे बोल सकता है इस चीज को। लेकिन अभी आपका जो एग्जाम डेट है, पूरी संभावना यही है 99.99% की 31 मार्च को आपका एग्जाम होगा। तो आप एग्जाम की तैयारी बेहतरीन करें, आपके पास जितना समय बचा है उस समय को आपको बिल्कुल अपने टाइम का यूटिलाइज करके और अपने एग्जाम को अच्छे से तैयार करना है, ताकि आप अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे। तो आप इधर वीडियो के चक्कर में ना पड़ के अभी आपकी जो एग्जाम डेट फिक्स होगी उसी के ऊपर अपन तैयारी करें। वीडियो आप देखें, लेकिन किसी प्रकार से आपको उसको अलग तरीके से नहीं लेना कि हो सकता है हमारे एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए, एग्जाम हमारा नहीं होगा। अगर सीआरपीएफ ने आपका नोटिस रिलीज कर दिया है आपका एग्जाम 31 मार्च को होना है, तो 31 मार्च को होना है, जो 22 फरवरी से सीआरपीएफ एचएम के स्टार्ट 22 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि जो उनकी जो खत्म होने की डेट थी वो ज्यादा हो गई है बच्चों फॉर्म ज्यादा बनने की वजह से, लेकिन आपका ऐसा कुछ नहीं, 31 मार्च को आपका एग्जाम डेट दे रखी है, उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों, आज के वीडियो में यही जानकारी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।